श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार अगर आप जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार से आपको कोई चीज़ मिलती है, तो उस चीज़ को लाने के बाद किस प्रकार से आपको उपयोग करना है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि श्याम भक्तों, हम बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करते हैं, श्याम कुंड के दर्शन करते हैं। तो श्याम भक्तों, इतनी सारी जगह हम वहाँ पर जाकर दर्शन जब करते हैं, तो भगवान की कुछ ना कुछ निशानी हम अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे कि बहुत सारे श्याम भक्तों को फूल मिल जाता है, पुष्प वगैरह मिल जाता है, बाबा श्याम के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प ले आते हैं जो कि पुजारी जी महाराज के द्वारा मिल जाता है। अगर आप लाइनों से होते हुए आते हैं और अगर आपको पुजारी जी नहीं मिलते, तो वहाँ पर आपको पुष्प जो होता है, वो पुष्प वहाँ से आप अपने आप उठा सकते हैं, बाबा श्याम का आशीर्वाद मानकर, बाबा श्याम को दिखाकर उस पुष्प को अपने साथ लेकर आके अपने घर में रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अति प्रिय है इत्र। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को बहुत सारे भक्त जो है इत्र अर्पण करते हैं। वहीं दरबार में जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप पुजारी जी महाराज से वो इत्र प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, मांग सकते हैं। अगर पुजारी जी महाराज के पास उस समय वो इत्र की शीशी होगी, तो जरूर आपके हाथ में एक इत्र की शीशी वो पकड़ा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं कि गार्ड के हाथों में दे देते हैं, और जब कोई भक्त दरबार से दर्शन करते हुए जाता है, तो वो गार्ड जो है खुद ही उन भक्तों को वो इत्र की शीशी पकड़ा देते हैं प्रसाद के रूप में। तो श्याम भक्तों, ऐसी बुद्धि जो होते हैं वो बाबा श्याम ही देते हैं, क्योंकि जब हम बाबा के दरबार में आते हैं, जब बाबा की नज़र हम पर पड़ती है और बाबा से जब हमारी नज़र मिलती है, तब बाबा श्याम हमें आशीर्वाद के रूप में वो चीज़ देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है श्याम भक्तों कि आपने बाबा श्याम के दर्शन किए और आपको दरबार से कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा की नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन करके और जब हमें अचानक से कोई चीज़ मिल जाए या कोई हमें पकड़ा दे, यानी हमारी बुद्धि खुद काम करे और हम बाबा को दिखाकर वो चीज़ अपने साथ ले आते हैं, तो बाबा श्याम की असीम महिमा हमारे ऊपर ज़रूर बनती है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि मान लीजिए, अगर आप बाबा श्याम के दरबार से इत्र आपको मिलता है, यानी कि बाबा श्याम को चढ़ा हुआ इत्र अगर आपको मिल जाता है, तो घर लाकर उस इत्र का क्या करना है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो इत्र होता है बाबा श्याम को अर्पण होता है, और जो बाबा श्याम को जो इत्र अर्पण होता है, वो तो प्रसाद के रूप में आप लोग अर्पण कर देते हैं। कोई 10 रुपये का इत्र अर्पण करता है, कोई 50 का इत्र अर्पण करता है, कोई 100 का इत्र अर्पण करता है, और नहीं जाने लोग कितने कितने पैसों के इत्र बाबा श्याम को अर्पण कर देते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, ओरिजिनल इत्र की जो कीमत होती है वो हज़ारों तक में चली जाती है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को जो है ऐसे इत्रों से बाबा श्याम का श्रृंगार होता है खाटू धाम में, और जो बाकी बचे हुए इत्र होते हैं वो भक्तों में बांट दिए जाते हैं प्रसाद के रूप। परंतु श्याम भक्तों, खाटू धाम में इत्र रखने की जो जगह बनी हुई है, उस जगह में इत्र रख दिया जाता है। जब आप इत्र अर्पण कर देते हैं, तो वो बाबा श्याम के नाम से वो इत्र अर्पण हो गया। परंतु श्याम भक्तों, जब आप बाबा के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले, किसी ने आपको इत्र पकड़ा दिया या आपको इत्र की शीशी मिल गई और आप उसे अपने घर लेकर आते हैं, तो श्याम भक्तों, उन इत्रों से बाबा श्याम की सेवा की जाती है। बाबा श्याम का जब श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार के पास में उस इत्र को अर्पण किया जाता है। तो श्याम भक्तों, जब आपको इत्र मिल जाता है, जब आप अपने घर लेकर आते हैं, तो उस इत्र को लाकर आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, और जो आपके लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी हैं, जब उनको आप स्नान करा देते हैं, स्नान कराने के बाद उस इत्र को उन्हें लगा सकते हैं। तो ये एक सेवा है जो आप उस इत्र का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, वो प्रसाद है, बाबा श्याम का प्रसाद जो है चढ़ा हुआ प्रसाद है ऑलरेडी, तो आप उससे अपने घर में जो आपके बाबा श्याम विराजते हैं उनकी भी सेवा कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप उस इत्र को वहाँ से लेकर आए हो और यहाँ सेवा में लगा रहे हैं, तो एक सेवा में भी आप लगा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप उसे प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप प्रसाद के तौर पर आप उस इत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो आप वो विशेष ध्यान रखेंगे कि उस इत्र का इस्तेमाल तभी करना है जब आप कोई विशेष कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं या पूजा पाठ करने के लिए जब आप बैठते हैं, तभी उस इत्र का आपको इस्तेमाल करना है। अपने कॉलर पर यानी शर्ट वगैरह जो हम पहन रहे हैं या जो भी पहन रहे हैं, यहाँ पर आसपास में हम उस इत्र को थोड़ा सा लगा लेंगे। नहीं तो श्याम भक्तों, रुई है, रुई में थोड़ा सा इत्र लगा के अपने कान के पास में लगा सकते हैं,
ऐसा नहीं कि कान के अंदर लगाना, ऊपर में जो जगह रहती है वहाँ पर हम लगा लेते हैं ताकि वो खुशबू हमारे साथ सदा बनी रहे। और जब हम श्याम भक्तों किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए 100% सफलता ज़रूर मिलती है। इसी प्रकार से श्याम भक्तों अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों बाबा श्याम आपके साथ सदा रहते हैं, और उस इत्र के रूप में जो आपने धारण किया हुआ है जब आप वहाँ पर बैठते हैं, तब श्याम भक्तों आपका जो मन होता है पूरी तरह से सकारात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, और उस पॉजिटिव माइंड से जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो 100% सफलता ज़रूर मिलती है। तो श्याम भक्तों इतनी महिमा है इस इत्र की, इसको अगर प्रसाद के तौर पर यूज़ करना चाहे तो प्रसाद के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, परंतु श्याम भक्तों एक बात का ध्यान रखें, जो आप प्रसाद के तौर पर इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ आपको अपने लिए ही रखना है, और फिर जब आप विशेष कामों के लिए जाते हैं उस समय उस इत्र का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि हम शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो उस इत्र को हमने धारण कर लिया, ऐसी भूल फूल से भी ना करें, नहीं तो उस इत्र की जो महिमा है बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और वो इत्र जो है चमत्कारिक इत्र नहीं रहती, वो एक नॉर्मल इत्र बन जाती है। इस विशेष बात का ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से बाबा श्याम का बाघा है, बाघा को अगर हम मंदिर में रखते हैं और उसकी हर रोज़ पूजा करते हैं, उसे हर रोज़ देखते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा हम पर बनती है। उसी प्रकार से जब इत्र है, क्योंकि वो परफ्यूम नहीं है कि हमने परफ्यूम लगा लिया और रेस्टोरेंट में चले गए, बार में चले गए और इधर उधर ऐसी जगह चले गए जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आपका कोई अर्जेंट कार्य है, जो काम आपका नहीं बन रहा है, उस समय उस इत्र को लगा के जा रहे हैं तो भवश्याम की अगर असीम कृपा रहती है तो आपके काम बनते ही बनते हैं। यानी कि श्याम भक्तों दो कंडीशन होता है, अगर आपके उस काम से आपको फ़ायदा होगा तो वो काम बनेगा, और अगर भवश्याम को ऐसा लगता है कि नहीं ये काम आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो वो काम आपका नहीं बनेगा। यानी कि श्याम भक्तों ऐसा ना सोचे कि आपने उस इत्र को लगाया और आपका वो काम बिगड़ गया या नहीं बना, तो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि बाबा श्याम को कुछ और मंजूर हो, यानी हो सकता है उसमें आपका कुछ फ़ायदा होने वाला हो जिसके कारण से वो काम आपका नहीं बना। और जो श्याम भक्तों जो छात्र होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर उन्होंने वास्तव में मेहनत की है और उनको लग रहा है कि हमने जी जान से मेहनत की, इस साल हमें सफलता पानी ही पानी है, तो देखिए श्याम भक्तों हमने तो अपनी पूरी मेहनत की है, परंतु एक बाबा श्याम का आशीर्वाद मानकर हम उस इत्र को धारण कर लेते हैं, और जब हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो हमें बाबा श्याम की कृपा ज़रूर मिलती है। परंतु श्याम भक्तों हम बिना पढ़े अगर एग्ज़ाम देने चले गए, इत्र धारण कर लिया और सोचे कि बाबा श्याम की कृपा हम पर बने, तो बिना पढ़े, बिना मेहनत किए हुए, बिना कोई कर्म किए हुए तो बाबा श्याम कोई फल भी नहीं देते, यानी कोई किस्मत भी साथ नहीं देती और भगवान भी साथ नहीं देते। तो इसलिए श्याम भक्तों कोई भी कर्म को करने के लिए पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लगन लगानी पड़ती है, और उसके बाद ही बाबा श्याम उसका फल देते हैं। तो श्याम भक्तों इत्र की महिमा बहुत ही निराली है। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों अगर प्रसाद के रूप में आपको इत्र मिले तो आप भी अगली बार जब खाटू धाम जाए तो बाबा श्याम को इत्र अर्पण जरूर करें, और ध्यान रखें जो बाबा श्याम को इत्र कैसे अर्पण करना है उसके ऊपर इसी चैनल पर कई सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी आपको कि बाबा श्याम को इत्र कैसे अर्पण करें, क्योंकि खाटू धाम में तो आपको बाबा श्याम के दूर से ही दर्शन होंगे, दूर से ही उन्हें इत्र दिखा देना है और वहाँ जो बॉक्स बने हुए हैं उस बॉक्स में डाल देना है। तो श्याम भक्तों जैसे कि आपने बॉक्स में इत्र को डाला, जो आप भगवान को अर्पण करते हैं भगवान वो आपको वापस से लौटा देते हैं प्रसाद के रूप में। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम के दरबार से अगर इस तरह की इत्र वगैरह अगर आपको मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, और उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना वो भी मैंने आपको बता दिया। और बाबा श्याम की कोई भी चीज़ जैसे इत्र है बाबा श्याम के इस प्रकार से मोर छड़ी के साथ, या कोई भी चीज़ ऐसी बाबा श्याम के दरबार से मिलती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो बाबा श्याम ने आपको इस तरह की चीज़ें आपको प्रदान की है आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि हर भक्त के नसीब में ये चीज़ें नहीं होता, और जिन भक्त के नसीब में होता है तो पुजारी जी महाराज के द्वारा या गार्ड के द्वारा वो चीज़ वहाँ पर दे दी जाती है बिना मांगे हुए। और अगर श्याम भक्तों अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्रसाद को मांग के भी ले सकते हैं, बाकी बाबा श्याम की मर्जी है कि उन्हें देना है या नहीं देना है, और नहीं मिला तो निराश होने की कोई बात नहीं है। अगली बार बाबा श्याम को पहले मनाइए, बाबा श्याम को कोई चीज़ अर्पण करिए, और उसके बाद जब आप अर्पण करते हैं तो मांगने के भी हकदार जरूर होते हैं। तो श्याम भक्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।